सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी वसंत का पार्ट 13 एक दिन का पढ़ने जा रहे हैं। छोटी सी कविता है बच्चों, जैसा कि मैं कल भी आपको बताया था, आपने इसे पढ़ा होगा, याद किया होगा, एक पेरा तो याद ही हो गया होगा आपको, फिर भी मैं वापस से इसको रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको लिख पाएँ और याद कर पाएँ। एक दिन का यानी कि एक छोटा सा दिन का घास वो एक दिन का बन जाता है ना। तो अगर कोई घमंडी व्यक्ति हो तो उसका घमंड एक दिन का भी चूर कर सकता है, इसलिए इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंडों में भरा हुआ एक दिन जब था मुंडे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। देखो, एक दिन का आंख में पड़ देता है तो उसका वो घमंड चूर हो जाता है। मैं झिझक उठा वो बेचैन, लाल हो गई आंख, फिर दुखने लगी मुठ, देने लोग कपड़े की लगे, ऐंट बेचारी दबे पांव भागी। कपड़े को अपन यूँ मुंह में डाल के फूंक देते हैं और आंख पे लगाते हैं। इससे भी जब किसी भी डव से ही निकला तिनका समझ, तब समझ में यूँ मुझे ताने दिए, मेरी समझ नहीं मुझे ताने दिए कि ऐंटता मैं, इतना ऐंटता था, घमंडी था, तेरी तो ऐंठना, इसलिए इतना रहा, एक दिन का ही बहुत है तेरे लिए, तो एक दिन का ही बहुत है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ प्रश्न है बेटा, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कविता पे आधारित हैं, और कुछ प्रश्न हैं जो नीचे दिए हुए हैं उनके भी उत्तर देने का अभ्यास करें। धन्यवाद।